गुरु जी के श्री चरणों में दंडवत सादर प्रणाम। जय हो। मैं मनीष भारद्वाज सागर मध्य प्रदेश से। बोलिए प्रभु। गुरु जी, मैं आपके चरणों में धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आपने सनातन धर्म की अलग जगाने के लिए जो कार्य किया है, तो आज मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों में भी इतना उत्साह है। छोटे छोटे बच्चे, मेरी 4 साल की बेटी हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करती है। आज वो स्पष्ट बोल नहीं पाती है, लेकिन हनुमान चालीसा का उच्चारण करती है। बड़ी बेटी हनुमान चालीसा का उच्चारण करती है। आपस में उन लोगों में प्रतियोगिताएं होती हैं, कौन शिव स्तुति जानता है, कौन हनुमान चालीसा जानता है, और कितने लगन से वो लोग पूजा पाठ करते हैं। इसके लिए मैं आपके श्री चरणों में धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरा एक प्रश्न भी है गुरु जी, हम यदि रामायण का अध्ययन करते हैं या उसका श्रवण करते हैं, तो हम देखते हैं कि हनुमान जी रामचंद्र जी के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन रामायण में हम रामचंद्र जी के और भी अन्य भक्त देखते हैं, जैसे केवट जी थे, विभीषण थे, उसमें एक पात्र उनके अनुज भरत भी थे। भरत ने अपना राजपाट त्याग कर भगवान श्री राम की चरण उपाधिकाएँ सिंहासन पर रखकर उनकी संत के रूप में पूजा की। तो हनुमान जी की भक्ति श्रेष्ठ मानी जाएगी कि संत के रूप में भरत जी की भक्ति श्रेष्ठ मानी जाएगी? सुनिए, पहली बात तो भक्त में कोई कंपटीशन होता नहीं, कंपटीशन होता है व्यापार में जी, संसार में जी, भक्तों में कोई कंपटीशन नहीं होता जी, जी। लेकिन अगर आप फिर भी मति लगा करके हनुमान जी और भरत जी की कंपटीशन की चर्चा करें, तो भरत जी की भक्ति और हनुमान जी की भक्ति समान है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। जी गुरु जी, गुरु जी बहुत बहुत इससे सिद्ध हो गया कि दोनों समान हैं। जी जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।